तो वैसे ये रहा दोस्तों मेरे पास Realme C25Y लेटेस्ट स्मार्टफोन। आपको मैं इसी स्मार्टफोन के इसी वीडियो में टॉप 60 जी हाँ 60 से ज्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स हाइडन फीचर्स आपको बताऊंगा। तो आप देखना दोस्तों इस वीडियो को एंड तक। दोस्तों आप इस वीडियो को एंड तक देखकर ना इसी Realme C25Y स्मार्टफोन को बहुत ही इंटरेस्टिंग और औसम तरीके से यूज कर सकते हैं, क्योंकि फीचर्स ही आपको कुछ औसम बताया हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक कर देना इस वीडियो को, और आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके रख लेना। सबसे पहले फीचर की बात करने के लिए दोस्तों आपको स्क्रीनशॉट लेना है, तो वॉल्यूम माइनस बटन और पावर बटन पर आपको एक साथ इस तरह से प्रेस कर देना है, स्क्रीनशॉट लग जाएगा। उसके अलावा एक और तरीका है स्क्रीनशॉट लेने का, ये मेनू बटन जो आपको दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिख रहा है स्क्रीनशॉट, आपको इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ से भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और यहाँ पर आप एडिटिंग वगैरह भी कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेंगे हम। तो लेने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं ये एडिट भी कर सकते हैं, यहाँ पर इसको इनहांस कर सकते हैं, वार्म कर सकते हैं, कूल कर सकते हैं, ये जो स्क्रीनशॉट है ना इसको और क्रॉप कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, फिल्टर्स लगा सकते हैं। और चलिए, और यहाँ पर आपको मोर में आने के बाद यहाँ पर आपको इस तरह से मार्क करने वाला फीचर मिलता है। दूसरे फीचर की बात करने के लिए दोस्तों आपको जाना है इस तरह से सेटिंग में। सेटिंग में आना है और आपको यहाँ पर दिखता होगा डिस्प्ले, आपको डिस्प्ले पर क्लिक करना है और नीचे आना है। यहाँ पर आपको दिखता होगा फॉन्ट साइज, आपको इस पर क्लिक करके अगर आपके आंख कमजोर है, आपको ठीक से नहीं दिखता है, तो यहाँ से आप अपने फॉन्ट्स को बड़े वगैरह कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं भी कितने बड़े हो गए फॉन्ट्स, इतने आप बड़े कर सकते हैं अपने फॉन्ट्स को। नहीं आप इसको छोटा ही करना चाहते हैं तो यहाँ से इसको आप छोटा भी कर सकते हैं। तो चलिए दूसरे फीचर की बात करने के लिए दोस्तों, अब मान लो कि आपको दो एप्लीकेशन के बीच में आप काम कर रहे हैं, एक एप्लीकेशन ये है और साथ में एक एप्लीकेशन ये है, तो आपको उस पहले वाले एप्लीकेशन में जाने के लिए इस मेनू बटन पर आपको डबल क्लिक करना है। इस एप्लीकेशन में आप आ जाएंगे, वापस से उसी एप्लीकेशन में जाने के लिए मेनू बटन पर डबल क्लिक करना है, इस एप्लीकेशन में आ जाएंगे। इस तरह से आप मेनू बटन पर डबल क्लिक करके दो एप्लीकेशन के बीच में ट्रांसफर हो सकते हैं। चौथे फीचर की बात करने के लिए इस मेनू बटन पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको दिखता होगा यहाँ पर वो एप्लीकेशन का आइकॉन, जो एप्लीकेशन इसमें है यहाँ पर उस पर लॉन्ग टैप करना है। लॉन्ग टैप करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखता होगा स्प्लिट स्क्रीन, इस पर आप क्लिक कर लेना है। क्लिक करेंगे तो नीचे एक और स्क्रीन निकल कर आएगा। इस तरह से आप दो दो एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं एक ही फोन में और एक ही वक्त में और एक ही स्क्रीन में। तो देख सकते हैं ऊपर एक एप्लीकेशन ओपन है मैसेंजर और नीचे क्रोम ओपन है। इस तरह से आप दो दो एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं, और ऊपर वाला एप्लीकेशन आप छोटा करना चाहे तो इसमें नहीं कर सकते, और आप इस पर क्लिक करके इस तरह से लॉन्ग टैप करके इस तरह से उसको नीचे छोड़ेंगे तो चला जाएगा। पांचवी फीचर की बात करने के लिए इस फोन पर आपको क्लिक करना है, थ्री डॉट पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको दिखता होगा सेटिंग्स, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर डिस्प्ले ऑप्शंस पर आपको क्लिक करना है, चूज थीम पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर है लाइट और डार्क, आपको कर लेना है डार्क। आप देख सकते हैं ये बाकी सबको तो लाइट मोड है, लेकिन ये फोन वाला एप्लीकेशन इतना ही ना ये डार्क मोड हो चुका है। इस तरह से आप डार्क मोड यूज कर सकते हैं फोन वाले एप्लीकेशन को इतना ही करना चाहे तो। छठी फीचर की बात करने के लिए जाएंगे सेटिंग में, और आपको यहाँ पर दिखता होगा एप्स एंड नोटिफिकेशन, आपको इस सेटिंग में आना है। यहाँ पर आपको सी ऑल एप्स दिखते होंगे, यहाँ पर क्लिक करने के बाद सारे एप्लीकेशन आ जाते हैं। कौन सा एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आने के बाद यहाँ पर ऊपर वो नहीं आना चाहिए, यहाँ पर उसको बंद कर सकते हैं। यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं कर लेता हूँ क्रोम को, क्योंकि क्रोम से बहुत सारे मैसेज आते हैं यहाँ पर क्लियर कर करके हम यहाँ पर थक जाते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर ऑल क्रोम नोटिफिकेशन है ना, यहाँ पर इसको ऑफ करेंगे। अभी हमसे क्रोम से कोई भी मैसेज या कोई भी नोटिफिकेशन आता है क्रोम से तो यहाँ पर ऊपर वो नहीं आएगा दोस्तों यहाँ पर। तो इस तरह से कोई भी एप्लीकेशन का यहाँ से आप नोटिफिकेशन बंद करके रख सकते हैं। सातवें फीचर की बात करने के लिए इस फोन पर क्लिक करना है, और आपको उसी थ्री डॉट पर क्लिक करना है, सेटिंग पर क्लिक करना है, और आपके यहाँ पर दिखता होगा साउंड एंड वाइब्रेशन, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ पर दिखता होगा वाइब्रेट फॉर कॉल्स, यहाँ पर आएंगे ऑलवेज वाइब्रेट करेंगे। तो अभी जब भी आपको कॉल आता है तो आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट भी होगा दोस्तों रिंगटोन के साथ में। इस तरह से आप वाइब्रेट सेटिंग ऑन कर सकते हैं। आठवें फीचर की बात करने के लिए फोन में जाएंगे, थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे, सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे, कॉल साउंड्स एंड वाइब्रेशन में वापस से आएंगे, और आना इस तरह से नीचे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो सारे साउंड्स है ना सबको ऑफ करना है। ऑफ करेंगे तो आपकी बैटरी बैकअप ज्यादा देगी, कैसे आपको मैं बता देता हूँ। अब मान लो कि आप टच कर रहे हैं, लॉक कर रहे हैं, अनलॉक कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, तो बार बार स्पीकर से साउंड आता है।
इन सेटिंग को आपने ऑफ कर लिया तो बार बार स्पीकर से साउंड नहीं आएगा, वहां से एक्स्ट्रा बैटरी कंज्यूम नहीं होगी, सोचने की बात है। नाइन फीचर की बात करने के लिए इसी फोन पर क्लिक करेंगे, इसी थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे, सेटिंग पर क्लिक करेंगे, साउंड्स एंड वाइब्रेशन पर क्लिक करेंगे, नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको दिखता होगा टच वाइब्रेशन, ये क्या है, ये बैक बटन, होम बटन, मेनू बटन पर क्लिक करने के बाद आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट होता है। उसको ऑफ करना चाहे तो यहाँ से ऑफ कर सकते हैं, अगर इसको ऑन करना चाहे तो यहाँ से इसको ऑन कर सकते हैं। अगर मैं कहूँ तो इसको भी ऑफ ही करना है, क्योंकि ये भी एक्स्ट्रा बैटरी कंज्यूम कर लेता है आप इसको ऑन करेंगे तो। ये तो बटन बहुत यूज होते हैं ना, बार बार वाइब्रेट होता है आपका स्मार्टफोन। दसवें फीचर की बात करने के लिए इसी फोन पर क्लिक करेंगे, इसी थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे, सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पर दिखता होगा ब्लॉकेड नंबर्स, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर अनकनोन भी आप कर सकते हैं, आप अनकनोन करेंगे तो जो नंबर आपके फोन में सेव नहीं है उन नंबर से आपको कॉल ही नहीं आएगा, न्यू नंबर से आपको कॉल ही नहीं आएगा। ये लेडीज के लिए यूजफुल फीचर हो सकता है, क्योंकि उनको बहुत सारे न्यू नंबर से कॉल आते हैं तो वो क्या करे, इसको ऑन करे, न्यू नंबर से कॉल ही नहीं आएगा। और इसको ऑफ करके आप कोई भी आप नंबर को बाय डिफॉल्ट ब्लॉक करना चाहते हैं, ब्लैकलिस्ट में डालना चाहते हैं तो ऐड ए नंबर पर क्लिक करें, यहाँ पर जो नंबर डायल करके यहाँ पर ब्लॉक करेंगे तो वो नंबर से कॉल ही नहीं आएगा। फीचर की बात करते हैं, उसके लिए क्या करेंगे, जाएंगे सेटिंग्स में और आपको यहाँ पर दिखता होगा एप्स एंड नोटिफिकेशंस, आपको इस सेटिंग में आना है, यहाँ पर आपको दिखता होगा दोस्तों और नोटिफिकेशंस, आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर है नोटिफिकेशन हिस्ट्री, यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये ऑफ रहता है तो इसको ऑन करेंगे तो ये क्या है आपको मैं बता देता हूँ। अब मान लो कि कोई भी एप्लीकेशन से आपको नोटिफिकेशन वगैरह आते हैं, यहाँ पर आप क्लियर करते हैं, क्लियर करने के बाद क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर वो सेव हो जाता है। जो जो एप्लीकेशन से आपको नोटिफिकेशन आते हैं, जो जो आप नोटिफिकेशन क्लियर करते हैं यहाँ पर ऊपर से, तो यहाँ पर सेव हो जाता है। बाद में आकर यहाँ पर हिस्ट्री देख सकते हैं किन किन एप्लीकेशन से हमको नोटिफिकेशन आया था, किन किन एप्लीकेशन का हमने नोटिफिकेशन बंद किया बोलकर। फीचर की बात करने के लिए वापस से सेटिंग में जाएंगे और आपको उसी एप्स एंड नोटिफिकेशन सेटिंग में आना है, यहाँ पर आपको दिखता होगा इसी नोटिफिकेशन पर आपको क्लिक करना है एक और बार, यहाँ पर आपको दिखता होगा बबल, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, ये ऑफ है तो ये इसको ऑन करेंगे तो एग्जाम्पल आपको यहाँ पर भी दिख रहा है। और भी आपको मैं बता देता हूँ, जैसे आपने देखा होगा फेसबुक मैसेंजर एक बबल आता है, क्लिक करने के बाद चैट ओपन हो जाता है, वापस से क्लिक करने के बाद चैट क्लोज होता है, इस तरह से आप अदर एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं जो मैसेंजर वाले होते हैं। सेटिंग फीचर की बात करने के लिए यहाँ पर जाएंगे सेटिंग्स में और आपको यहाँ पर आना है इसी एप्स एंड नोटिफिकेशन सेटिंग में, यहाँ पर आपको दिखता होगा और नोटिफिकेशन, आपको इस सेटिंग में आना है और आना है नीचे, यहाँ पर आपको दिखता होगा नोटिफिकेशंस ऑन लॉक स्क्रीन, यहाँ पर आपको क्लिक करना है, यहाँ पर आप हाइड कर सकते हैं, आप डोंट शो एनी नोटिफिकेशंस भी कर सकते हैं, ये क्या है आपको मैं बता देता हूँ। अब लॉक करके रखें फोन को तो कोई भी एप्लीकेशन से आपको नोटिफिकेशन आता है तो यहाँ पर पूरा नीट क्लीन बता रहा है लॉक स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं। आप यहाँ पर शो करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं जो जो एप्लीकेशन से आपको नोटिफिकेशन आए हैं, यहाँ पर इस तरह से लॉक स्क्रीन पर बता देंगे। मैं तो हाइड ही कर लेता हूँ क्योंकि लॉक स्क्रीन पर नहीं बताना चाहिए जो जो एप्लीकेशन से आपको नोटिफिकेशन आता है। 14 फीचर की बात करने के लिए यहाँ पर जाएंगे सेटिंग्स में और आपको यहाँ पर दिखता होगा एप्स एंड नोटिफिकेशन, इसी सेटिंग में आना है और वापस से आपको उसी नोटिफिकेशन पर क्लिक करना है और आना है इस तरह से नीचे, यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों और नोटिफिकेशन डॉट ऑन ऐप आइकॉन, ये ऑफ है तो इसको ऑन कर लेना है, ये क्या है आपको मैं बता देता हूँ। अब मान लो कि आपको कोई भी एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आता है तो उस एप्लीकेशन के ऊपर एक डॉट बता देगा, वो डॉट को देखकर आप पहचान सकते हैं इस एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आया है बोलकर, तो चलिए इस तरह से कर सकते हैं। इन फीचर की बात करने के लिए यहाँ पर जाएंगे सेटिंग्स में और आपको यहाँ पर दिखता होगा इसी एप्स एंड नोटिफिकेशन, आपको इस सेटिंग में आना है, यहाँ पर आपको दिखता होगा इसी नोटिफिकेशन, आपको इसी सेटिंग में आना है और आना है नीचे, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक और फीचर है हाइड साइलेंट नोटिफिकेशंस इन स्टेटस बार, यहाँ पर ये ऑफ है तो यहाँ से इसको ऑन कर सकते हैं, ये क्या है आपको बता दो। अब मान लो कि आपको कोई भी ऐसे एप्लीकेशन से नोटिफिकेशंस आते हैं, क्लियर करने के बाद क्लियर हो जाते हैं तो ऐसे नोटिफिकेशंस को कहते हैं साइलेंट नोटिफिकेशंस, तो उन नोटिफिकेशंस के आइकॉन यहाँ पर आपको नहीं बता देंगे, उन एप्लीकेशन के आइकॉन इस तरह से आप कर सकते हैं। सेटिंग फीचर की बात करने के लिए जाएंगे सेटिंग्स में और आपको उसी एप्स एंड नोटिफिकेशन सेटिंग में आना है, उसी नोटिफिकेशन पर आपको क्लिक करना है और आना इस तरह से और थोड़ा नीचे, नीचे आने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं डिफॉल्ट नोटिफिकेशन साउंड है, यहाँ पर आप साउंड नोटिफिकेशन का साउंड इफेक्ट आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं जो चाहे। 17 फीचर की बात करने के लिए यहाँ पर जाएंगे सेटिंग्स में और एप्स एंड नोटिफिकेशन सेटिंग में आएंगे, यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन पर क्लिक करना है वापस से और आना इस तरह से नीचे, यहाँ पर आपको दिखता होगा दोस्तों और स्वाइप फिंगरप्रिंट फॉर नोटिफिकेशन, ये ऑफ होते हैं इसको ऑन करना है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों ये क्या है आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पर जो पीछे फिंगरप्रिंट सेंसर है ना, इस फिंगरप्रिंट सेंसर से आप नोटिफिकेशन पैनल को कंट्रोल कर सकते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको बस इतना करना है, ये जो है ना
ऊपर से आपको इतना करना है, ये आ जाएगा नोटिफिकेशन। 18 फीचर की बात करते हैं, उसके लिए यहाँ पर हम जाएंगे सेटिंग्स में और आपको यहाँ पर उसी एप्स एंड नोटिफिकेशन सेटिंग में आना है और नीचे आना है। नोटिफिकेशन पर आपको क्लिक करना है और थोड़ा नीचे आना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डू नॉट डिस्टर्ब है, ये क्या है आपको मैं बता दूं। अब मान लो कि आप मीटिंग में रहते हैं तो आपको कॉल या मैसेज आने के बाद आप डिस्टर्ब होते हैं। इसको ऑन करने के बाद जब भी आपको कॉल या मैसेज आता है तो आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि आपका स्मार्टफोन वो हाइब्रिड भी नहीं होगा और रिंगटोन भी नहीं बजेगी आपके स्मार्टफोन की। और आप डेली मीटिंग में रहते हैं तो यहाँ पर शेड्यूल्स पर क्लिक करना और एड मोड पर क्लिक करना और टाइम पर क्लिक करना, यहाँ पर कुछ भी नाम वगैरह डाल देंगे चलेगा। और यहाँ पर आपको डे बाय डे सेलेक्ट करना है, जिस दिन हॉलीडे है बंद है वहां पर संडे बंद रहता है तो संडे को अनटिक करना है, डन करना है। उसके बाद आपको आपकी मीटिंग कितने बजे स्टार्ट होती है वो स्टार्ट टाइम में डाल देना है और एंड कितने बजे होती है आपकी मीटिंग यहाँ पर आपको एंड टाइम में डाल देना है। तो खत्म दोस्तों, उसके बाद आपकी मीटिंग जैसे स्टार्ट होती है ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है रोजाना, और जैसे आपकी मीटिंग खत्म होती है ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है रोजाना, आपको ऑन ऑफ करने की जरूरत नहीं। और यहाँ से भी इसको डू नॉट डिस्टर्ब को ऑन ऑफ आप यहाँ पर कर सकते हैं, आपको उतना अंदर सेटिंग्स में जाने की जरूरत भी नहीं। सेटिंग फीचर की बात करने के लिए यहाँ पर जाएंगे सेटिंग्स में और आपको उसी एप्स एंड नोटिफिकेशन सेटिंग में आना और नीचे आना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन टाइम है, यहाँ पर आप देख सकते हैं आज सुबह से लेकर अभी तक कितने मिनट्स मैंने स्मार्टफोन को यूज किया है बोलकर यहाँ पर आप डिटेल्स में देख सकते हैं। और नीचे आकर देख सकते हैं कौन कौन सा एप्लीकेशन कितने कितने मिनट्स यूज किया है, यहाँ पर सब कुछ आप यहाँ पर फिलहाल देख सकते हैं। 20 फीचर की बात करने के लिए यहाँ पर जाएंगे सेटिंग में और आपको यहाँ पर आना है उसी एप्स एंड नोटिफिकेशन में और इस तरह से आएंगे नीचे। यहाँ पर आप देख सकते हैं वायरलेस इमरजेंसी अलर्ट्स यहाँ पर आना है, यहाँ पर ये सारे सेटिंग्स आप यहाँ पर कर सकते हैं दोस्तों वायरलेस के लिए। अलर्ट रिमाइंडर्स भी आप यहाँ पर करना चाहिए कर सकते हैं 2 मिनट्स के लिए और 15 मिनट्स के लिए, या एक टाइम करना चाहिए भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो अपने हिसाब से यहाँ पर आप सब कुछ कर लेना। 21 फीचर की बात करने के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, जाएंगे सेटिंग्स में और आपके यहाँ पर दिखता होगा डिस्प्ले, आपको डिस्प्ले पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आपको दिखता होगा ब्राइटनेस लेवल, यहाँ से आप ब्राइटनेस को लेवल को बढ़ा सकते हैं और यहाँ से भी आप ब्राइटनेस लेवल को बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पर इसको ऑटो पर आप क्लिक करेंगे तो क्या होता है दोस्तों, आप ऐसी जगह पर है वहां पर लाइटिंग बहुत ज्यादा है तो ऑटोमेटिक ब्राइटनेस भी ज्यादा होगा ताकि आपको अच्छे से दिखे जो स्क्रीन है, और आप ऐसी जगह पर है वहां पर ब्राइटनेस कम है, आप अंधेरे में जाते हो तो ऑटोमेटिक ब्राइटनेस कम होता है ताकि आपको अच्छे से दिखे, आंखों को इफेक्ट ना पड़े, इस तरह से ये भी कर देता है। और अगर मैं कहूँ तो ऑटो को ऑफ करना, अपने हिसाब से आप ब्राइटनेस को सेट करके रखना। फीचर की बात करने के लिए यहाँ पर जाएंगे सेटिंग्स में और आपके यहाँ पर इसी डिस्प्ले सेटिंग में आना है। यहाँ पर आपको बता देता हूँ एक और फीचर डार्क मोड आपको दिखता होगा, यहाँ से इसको ऑन करेंगे तो आपकी आंखों को इफेक्ट नहीं पड़ता है स्क्रीन का, आप देख सकते हैं पूरा ब्लैक ब्लैक सा हो चुका है आपका स्मार्टफोन, आंखों को इफेक्ट नहीं पड़ेगा और बैटरी भी कम कंज्यूम होती है, इसलिए इस डार्क थीम को जरूर मतलब जरूर ऑन करके इसको जरूर यूज करना। मैं थोड़ी देर के लिए इसको ऑफ करता हूँ क्योंकि वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, फॉन्ट में फॉन्ट अच्छे से दिखना चाहिए कैमरा में, इसलिए। 23 फीचर की बात करते हैं, उसके लिए जाएंगे सेटिंग में और आपके यहाँ पर दिखता होगा इसी डिस्प्ले सेटिंग में आएंगे। इसी के रिगार्डिंग एक और फीचर आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पर आपको दिखता होगा आई कम्फर्ट, यहाँ पर आपको क्लिक करके यहाँ से इसको ऑन करना है तो ये देख सकते हैं डिस्प्ले का कलर कुछ इस तरह से हुआ है और ये भी आपके आंखों को इफेक्ट नहीं पड़ता है। अगर आप ब्राउजिंग ज्यादा करते हैं तो ब्राउजिंग करते वक्त इस मोड को ऑन करना दोस्तों, आपकी आंख सेफ रहेंगे और इसकी ब्राइटनेस को मतलब इसकी कैपेसिटी को आप यहाँ पर कम ज्यादा कर सकते हैं, इतना चाहिए कैपेसिटी इतना, तो अपने हिसाब से यहाँ पर आप ज्यादा कम कर सकते हैं। इस आई कम्फर्ट को जरूर ऑन करके इसको जरूर यूज करना ब्राउजिंग के टाइम में। 24 फीचर की बात करने के लिए सेटिंग में जाएंगे और आपके यहाँ पर दिखता होगा दोस्तों डिस्प्ले, आपको इसी डिस्प्ले सेटिंग में आना, नीचे आना है। यहाँ पर आपको दिखता होगा कलर्स एंड कॉन्ट्रास्ट, आप यहाँ पर ये कलर्स और कॉन्ट्रास्ट मिला सकते हैं अपने डिस्प्ले के कलर को, जैसा आपको अच्छा लगे जो आप चाहते हैं यहाँ पर कर सकते हैं और वार्म कर सकते हैं, कूल स्टैंडर्ड और अपने हिसाब से यहाँ पर आप कर सकते हैं, अपने हिसाब से कर लेना दोस्तों जो आपको अच्छा लगे। 25 फीचर की बात करेंगे सेटिंग्स में जाएंगे और आपके यहाँ पर दिखता होगा डिस्प्ले, इसी डिस्प्ले सेटिंग में आना है और नीचे आना है। एडेप्टिव ब्राइटनेस है, यहाँ पर इसको ऑन करेंगे तो ऑटोमेटिक एडजस्ट होता रहता है दोस्तों ब्राइटनेस के हिसाब से, जो आपको मैं पहले बता दिया था ना ये बोलकर ये था ना, यही है दोस्तों ये भी, तो इसको भी यहाँ से आप कर सकते हैं अपने हिसाब से, अभी आपको अच्छे से दिख रहे हैं ना फॉन्ट्स। तो चलिए फीचर की बात करने के लिए सेटिंग में जाएंगे और आपको यहाँ पर इसी डिस्प्ले सेटिंग में आना है और नीचे आना है। यहाँ पर आपको दिखता होगा वॉलपेपर, आप इस पर क्लिक करके लाइव वॉलपेपर यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं
जो आपको अच्छा लगे, नहीं तो फोटोज पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट गैलरी में आ जाएंगे और अपने फोटो आप लगा कर रख सकते हैं लॉक या होम स्क्रीन पर। और वॉलपेपर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको थोड़े वॉलपेपर्स मिलते हैं जो आपको अच्छा लगे वो यहाँ पर आप रख सकते हैं दोस्तों। तो चलिए इसके अलावा 27 फीचर की बात करने के लिए सेटिंग में जाएंगे ना, तो यहाँ पर आपको उसी डिस्प्ले सेटिंग में आना है और आना नीचे। यहाँ पर स्क्रीन टाइम आउट है, यहाँ पर ये क्या है 15 सेकंड है, 30 सेकंड है और 1 मिनट से लेकर 30 मिनट तक है। आपको जितना हो सके उतना कम ही रख लेना है। मैं कर लेता हूँ 30 सेकंड। ये क्या है, अब मान लो आपने फोन को कहीं भी रख दिया, लॉक बटन दबाना भूल गए, तो 30 सेकंड्स के बाद में ऑटोमेटिक डिस्प्ले ऑफ हो जाता है। 28 फीचर की बात करने के लिए सेटिंग्स में जाएंगे और उसी डिस्प्ले सेटिंग में आएंगे और नीचे आना है। यहाँ पर आपको देख सकते हैं ऑटो रोटेट स्क्रीन, ये ऑफ है तो इसको ऑन कर लेना है। ये क्या है आपको मैं बता दूं, नहीं तो इसको ऑफ भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। आप कुछ भी देख रहे हैं तो इस तरह से आप करेंगे फोन को तो पूरा इस तरह से स्क्रीन ऑटोमेटिक रोटेट हो जाएगा। इस तरह से आप इस सेटिंग को ऑन करके ये फीचर्स को ऑन कर सकते हैं। अभी इसको ऑफ किया तो अभी देख सकता हूँ, आप देख सकते हैं भी इस तरह से करूँ फोन को तो रोटेट नहीं हो रहा है। 29 फीचर की बात करते हैं, सेटिंग्स में जाएंगे, डिस्प्ले सेटिंग में आएंगे और नीचे आएंगे। यहाँ पर आपको दिखता होगा डिस्प्ले साइज, यहाँ पर डिस्प्ले साइज मतलब ये आइकन है ना, ये आइकन बड़े हो जाएंगे और ये आइकन बड़े हो जाएंगे। यहाँ पर आप इसको बढ़ा सकते हैं डिस्प्ले के साइज को। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये आइकन बड़े हो गए, ये भी आइकन बड़े हो गए। 30 फीचर की बात करने के लिए हम जाएंगे वापस सेटिंग में और उसी डिस्प्ले सेटिंग में आएंगे और नीचे आएंगे। यहाँ पर आपको दिखता होगा स्क्रीन सेवर है, आप यहाँ पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर स्टार्ट नाउ करेंगे तो चार्जिंग लगाने के बाद इस तरह से आएगा और यहाँ पर सेटिंग्स पर आप क्लिक करके यहाँ पर इसको चेंज भी कर सकते हैं, नाइट मोड भी कर सकते हैं और यहाँ पर स्टाइल पर आप क्लिक करके एनालॉग भी आप कर सकते हैं, आप डिजिटल भी कर सकते हैं, अपने हिसाब से जो आपको अच्छा लगे वो यहाँ पर आप कर लेना। 31 फीचर की बात करने के लिए सेटिंग में जाएंगे, डिस्प्ले सेटिंग में आएंगे, नीचे आएंगे। यहाँ पर आपको लॉक स्क्रीन आपको दिखता होगा, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एड टेक्स्ट ऑन लॉक स्क्रीन, यहाँ पर आपको क्लिक करके यहाँ पर जो नाम आप डालेंगे वो यहाँ पर लॉक स्क्रीन पर बता देगा आपको। मैं बता दूं, चलिए यहाँ पर मैं मेरे चैनल का नाम डाल दिया इट्स टेक्निकल, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लॉक स्क्रीन पर इट्स टेक्निकल दिख रहा है। और 32 फीचर की बात करने के लिए वापस हम क्या करेंगे, जाएंगे सेटिंग्स में और आपको उसी डिस्प्ले सेटिंग में आएंगे, एकदम नीचे आना है। यहाँ पर लॉक स्क्रीन पर आपको क्लिक करना है, यहाँ पर देखते हैं लिफ्ट टू चेक फोन, ये ऑफ होते हैं, इसको ऑन करना है। ये क्या है आपको मैं बता दूं, अब मान लो कि आप कहीं भी फोन को रखें, टेबल पर, जेब में, कहीं भी फोन को रखें, तो जैसे फोन को उठाकर आप हाथ में लेते हैं तो ऑटोमेटिक स्क्रीन ऑन हो जाता है, इस तरह से ऑन हो जाता है, आपको लॉक बटन पर क्लिक करके ऑन करने की जरूरत नहीं। 33 फीचर की बात करने के लिए वापस इस सेटिंग में जाएंगे और आपको उसी डिस्प्ले सेटिंग में आना है और नीचे आना है और आपको उसी लॉक स्क्रीन सेटिंग में आना है। आएंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं वेक स्क्रीन फॉर नोटिफिकेशन, ये ऑफ है तो इसको ऑन कर सकते हैं। ये क्या है आपको मैं बता दूं, अब मान लो कि आप लॉक करके रखें इस तरह से फोन को, तो आपको कोई भी एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आता है तो यहाँ पर इस तरह से ऑटोमेटिक स्क्रीन ऑन हो जाता है और होना चाहिए तो इस सेटिंग को ऑन करना, नहीं तो ऑफ आप यहाँ पर कर सकते हैं। 34 फीचर की बात करने के लिए वापस से सेटिंग में जाएंगे और आपके यहाँ पर दिखता होगा दोस्तों स्टोरेज, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। यहाँ से आप अपना स्टोरेज कितना अवेलेबल बचा रहा है यहाँ पर देख सकते हैं, अवेलेबल आपका स्टोरेज, मैनेज स्टोरेज पर आप क्लिक करके यहाँ पर आ सकते हैं अपने फाइल मैनेजर में और यहाँ पर स्टोरेज मैनेजर पर आप क्लिक करके यहाँ से इसको ऑन करेंगे तो आप एक्स्ट्रा फाइल मतलब एक्स्ट्रा कोई भी आप मेमोरी लगा कर रखें तो वहाँ पर वो मैनेज होता रहेगा। यहाँ पर आप सब कुछ कर सकते हैं ये स्टोरेज के मामले में। 35 फीचर की बात करने के लिए यहाँ पर जाएंगे सेटिंग में और आपको इसी सेटिंग में आना है और चलिए यहाँ पर आपको दिखता होगा स्मार्ट कंट्रोल्स, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर स्मार्ट मेंशन आपको इस पर क्लिक करना है, ये ऑफ होता है इसको ऑन करना है। यहाँ पर आपको दिखता होगा इजी आंसर, ऑन करेंगे तो ये क्या है आपको मैं बता देता हूँ। अब मान लो कि आपको कॉल आता है, कॉल आने के बाद जैसे फोन को उठाकर आप है ना दोस्तों कान के पास लेकर जाते हैं तो ऑटोमेटिक कॉल रिसीव हो जाएगा, आपको इस तरह से क्लिक करके रिसीव करने की जरूरत नहीं। 36 फीचर की बात करने के लिए सेटिंग में जाएंगे और आपको उसी स्मार्ट कंट्रोल सेटिंग में आना है, यहाँ पर स्मार्ट मेंशन में आना है और यहाँ पर आपको दिखता होगा इजी बेल, इसको भी ऑन करना दोस्तों बेहतरीन फीचर कॉल के लिए आता है। 37 फीचर की बात करने के लिए वापस से सेटिंग में जाते हैं और आपको उसी स्मार्ट कंट्रोल सेटिंग में आना है और आपको उसी स्मार्ट मेंशन में आना है। यहाँ पर आपको दिखता होगा म्यूट इनकमिंग कॉल्स, इसको ऑन करना है। ये क्या है आपको और थोड़ा डिटेल्स में समझा देता हूं। अब मान लो कि आपको कॉल आना है तो रिंगटोन बज रहा है, रिंगटोन से आप परेशान है लेकिन आप कॉल रिसीव नहीं करना चाहते तो आपको क्या करना है, इस तरह से फ्लिप कर देना है फोन को, कॉल तो आता ही रहेगा लेकिन रिंगटोन बजना बंद हो जाएगा, इस तरह से कर सकते हैं। 38 फीचर की बात करने के लिए यहाँ पर जाएंगे सेटिंग में और आपको स्मार्ट कंट्रोल सेटिंग में वापस से आना है और स्मार्ट मेंशन में आना है वापस से। यहाँ पर आप देख सकते हैं और नीचे आने के बाद में प्ले कंट्रोल और म्यूजिक स्विच और लॉक
म्यूजिक स्विच, मतलब आप यहाँ पर शेक वगैरह करेंगे तो म्यूजिक चेंज होता रहेगा, आप म्यूजिक सुन रहे हैं तो। वैसे भी म्यूजिक को सुनना मत दोस्तों अपने फोन में, मैं तो म्यूजिक का कायल नहीं हूँ। 9 फीचर की बात करेंगे, यहाँ पर जाएंगे सेटिंग में और आपके यहाँ पर दिखता होगा स्मार्ट कंट्रोल्स, आपको इस सेटिंग में आना है। यहाँ पर पॉकेट मोड आपको दिखता होगा, यहाँ पर आना है, यहाँ से इसको ऑन करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं टच डिसेबल, आप क्लिक करेंगे इसको ऑन करेंगे तो टच डिसेबल हो जाएगा, ये भी आप यूज कर सकते हैं। 40 फीचर की बात करने के लिए सेटिंग में जाएंगे और आपके यहाँ पर दिखता होगा स्मार्ट कंट्रोल्स, आपको इसी सेटिंग में आना है, पॉकेट मोड इसी सेटिंग में आना है और यहाँ पर इस स्मार्ट बेल को जरूर ऑन करना दोस्तों, रिंगटोन और वाइब्रेट मैक्सिमम तक पहुंचता है। 41 फीचर की बात करने के लिए सेटिंग्स में जाएंगे, यहाँ पर स्मार्ट कंट्रोल सेटिंग में आएंगे, यहाँ पर आपको दिखता होगा पॉकेट मोड इसी सेटिंग में आना, पावर सिंक को यहाँ से आप ऑन कर सकते हैं, जैसे ये ऑफ है तो यहाँ से इसको ऑन कर सकते हैं, इसको एनी टाइम मत यूज करना, कभी कभी क्या होता है आपको बैटरी की जरूरत होती है, बैटरी लो है तो यहाँ से इसको ऑन करके यूज कर सकते हैं एक्स्ट्रा बैटरी लाइफ के लिए। 42 फीचर की बात करने के लिए सेटिंग में जाएंगे और आपके यहाँ पर दिखता होगा और इस तरह से नीचे आने के बाद सिक्योरिटी, आपको सिक्योरिटी पर क्लिक करना है, यहाँ पर दिख रहा है फाइंड माई डिवाइस, ये ऑफ है तो यहाँ से इसको ऑन करना है, ये क्या है आपको मैं बता देता हूँ। अब मान लो कि आपका स्मार्टफोन घूम जाता है तो इसको आपने ऑन किया है तो आप अपने स्मार्टफोन को ट्रैक कर पाएंगे बड़े आराम से, तो इसको जरूर ऑन करके यूज करना। 43 फीचर की बात करने के लिए यहाँ पर जाएंगे सेटिंग में और आपके यहाँ पर दिखता होगा सिक्योरिटी, आपको इस पर क्लिक करना है, यहाँ पर स्क्रीन लॉक पर क्लिक करके यहाँ से आप पैटर्न पिन पासवर्ड कुछ भी आप यहाँ पर लॉक सेट करके रख सकते हैं और बैक आने के बाद यहाँ पर आपको फिंगरप्रिंट रखना है तो यहाँ पर फिंगरप्रिंट पर क्लिक करके यहाँ पर आप पैटर्न पिन पासवर्ड रखकर यहाँ पर फिंगरप्रिंट भी सेट करके रख सकते हैं। सबसे पहले आपको इस तरह से एक पासवर्ड सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपको डन पर क्लिक करना है, यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर आपको पीछे जो फिंगरप्रिंट सेंसर है उसके ऊपर इस तरह से आपको टैप करते रहना है, जब तक ये फुल नहीं होता इस तरह से टैप करना और फुल होने के बाद में क्या होता है दोस्तों खत्म, उसके बाद में फिंगरप्रिंट सेट हो जाता है। 44 फीचर की बात करने के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेटिंग में जाएंगे और आपको उसी सिक्योरिटी पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको दिखता होगा फेस लॉक, फेस अनलॉक, इस पर आप क्लिक करेंगे तो वही आपको पासवर्ड सेट करना है, उसके बाद आपको एग्री पर क्लिक करना है, स्टार्ट पर क्लिक करेंगे तो फेस स्कैन हो जाता है, उसके बाद फेस लॉक सेट हो जाता है। 45 फीचर की बात करने के लिए यहाँ पर सेटिंग में जाएंगे और नीचे आएंगे बैटरी पर क्लिक करना है, बैटरी पर क्लिक करेंगे तो आप नया स्मार्टफोन लेने के बाद बैटरी परसेंटेज नहीं दिखती है, यहाँ पर बैटरी परसेंटेज आपको दिख रहा है, इसको ऑन करेंगे तो बैटरी परसेंटेज दिखाना शुरू हो जाएगी। 46 फीचर की बात करने के लिए वापस से सेटिंग में जाएंगे और आपके यहाँ पर दिखता होगा दोस्तों और इस तरह से नीचे आने के बाद में सिस्टम, आपको सिस्टम पर क्लिक करना है, यहाँ पर है दोस्तों जेस्टर्स, आपको इस पर क्लिक करना है, इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर दिखता होगा सिस्टम नेविगेशन, ये ऑफ है तो यहाँ से जेस्टर नेविगेशन को ऑन करना है, ये बैक बटन होम बटन मेनू बटन हाइड हो जाएंगे, आपको बैक करना है तो यहाँ से आ सकते हैं, यहाँ से भी बैक आ सकते हैं, होम बटन क्लिक करना है तो नीचे से बस इतना करना होम बटन क्लिक हो जाएगा, अगर आपको रिसेंट टास्क रिमूव करना है तो नीचे से लॉन्ग टैप करेंगे इतना इस तरह से आप करेंगे तो यहाँ से आप रिसेंट टास्क भी रिमूव कर सकते हैं। तो चलिए 47 फीचर की बात करने के लिए आप वापस से सेटिंग में जाएंगे और वापस से आपको सिस्टम पर क्लिक करना है, क्लिक करके आना है, यहाँ पर आपको डेट एंड टाइम पर क्लिक करके अगर आपने 24 आवर्स का टाइम वगैरह सेट करके रखा है जो आपको समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ से आप अपने टाइम को सेट भी करके रख सकते हैं। 48 फीचर की बात करने के लिए वापस से सेटिंग में जाएंगे और आपको सिस्टम पर क्लिक करना है, यहाँ पर जेस्टर्स पर क्लिक करना है, वापस से यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर थोड़े फीचर्स आपको मिलते हैं, पावर मेन्यू है, यहाँ पर आप यहाँ पर जो चाहे कर सकते हैं, डिवाइस कंट्रोल में आना है यहाँ पर इसको भी ऑन कर सकते हैं नहीं तो ऑफ कर सकते हैं और प्रेवेंट रिंगिंग यहाँ पर वाइब्रेट म्यूट जो आप करना चाहे यहाँ से कर सकते हैं। 49 फीचर की बात करने के लिए वापस से सेटिंग जाएंगे और आपके यहाँ पर दिखता होगा सिस्टम, आपको इसी पर क्लिक करना है, यहाँ पर मल्टीपल यूजर पर आप क्लिक करके इसको ऑन करेंगे तो यहाँ से आप एड यूजर फ्रॉम लॉक स्क्रीन पर आप क्लिक करेंगे तो ये एड भी आप कर सकते हैं, मल्टीपल यूजर आप यहां पर यूज कर सकते हैं दोस्तों यहां पर ये सब कुछ। तो चलिए 50 फीचर की बात करने के लिए वापस से सेटिंग में जाएंगे और आपके यहां पर आना है, यहां पर आपको दिखता होगा एकदम लास्ट में एसेसिबिलिटी, आपको इस पर क्लिक करना है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको दिखता होगा और नीचे आना, इस तरह से नीचे आना है, रिमूव एनिमेशन ये ऑफ है तो यहां से इसको ऑन करना है, यहाँ से इसको ऑन करेंगे तो आपका स्मार्टफोन स्पीड हो जाएगा दोस्तों, आप देखते हैं अभी बैग आता हूँ ओपन करता हूँ तो कितना स्पीड हो चुका है आपका स्मार्टफोन, कुछ भी यहाँ पर एनिमेशन वगैरह नहीं आ रहा, इसको ऑफ करके भी एक बार बताता हूँ, अभी यहाँ पर बैग आता हूँ ओपन करता हूँ, बैग आता हूँ ओपन करता हूँ तो कितना स्लो हो रहा है आप देख सकते हैं, इस तरह से आप इसमें आकर यहाँ से स्पीड कर सकते हैं। 51 फीचर की बात करने के लिए वापस सेटिंग में जाएंगे और आपके यहाँ पर आना इस तरह से नीचे, इसी एसेसिबिलिटी पर आपको क्लिक करके और नीचे आना है, थोड़ा और थोड़ा नीचे आना है, यहाँ पर आपको दिख रहा है पावर बटन एंड कॉल्स है ये ऑफ है तो यहाँ से इसको ऑन करना है, ये क्या है आपको मैं बता देता हूँ,
अब मान लो कि आप कॉल पर बात कर रहे हैं तो आपको कॉल काटना है तो पावर बटन पर एक बार क्लिक कर देना है, कॉल कट हो जाएगा। 52 फीचर की बात करने के लिए वापस से सेटिंग में जाएंगे और आपके यहाँ पर नीचे आना है, एसेसिबिलिटी इसी सेटिंग में आना है और नीचे आना है। यहाँ पर आपको दिखता होगा दोस्तों एकदम नीचे आने के बाद में हाई कॉन्ट्रास्ट टेस्ट, इस तरह से आप इसको ऑन करके अपने टेक्स्ट को हाई कर सकते हैं दोस्तों, कॉन्ट्रास्ट में ला सकते हैं, आप लाना चाहे ला लेना। 53 फीचर की बात करते हैं, उसके लिए यहाँ पर हम जाएंगे सेटिंग में और यहाँ पर हम देखें तो बैटरी में वापस से एक और बार आपको आना है और यहाँ पर देख सकते हैं अल्ट्रा पावर सेविंग मोड भी आपको यहाँ पर मिलता है और यहाँ पर ऐप स्टैंड बाय ऑप्टिमाइज़र भी आपको मिलता है, ये भी आप यहाँ पर करना चाहे कर सकते हैं। 54 फीचर की बात करते हैं, उसके लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे सेटिंग में जाएंगे और इस तरह से आएंगे नीचे नीचे आएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों शेड्यूल पावर ऑन ऑफ, यहाँ पर हम आएंगे तो आप पावर ऑफ करना चाहते हैं कितने बजे, वो यहाँ पर हम इसको ऑन करके स्टार्ट कर लेना दोस्तों, यहाँ पर स्टार्ट टाइम में डाल देना। उसके बाद आपके यहाँ पर पावर ऑफ टाइम पर क्लिक करके आप कितने बजे ऑफ होना चाहिए आपका स्मार्टफोन वो टाइम सेट करके रख सकते हैं और आप ऑन कितने बजे करना चाहते हैं इसको ऑन करके आप ऑन टाइम यहाँ पर लगा कर रख सकते हैं और उतने ही टाइम ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है आपका स्मार्टफोन और उतने ही टाइम ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है आपका स्मार्टफोन, आपको पावर बटन पर क्लिक करके ऑन ऑफ करने की जरूरत नहीं। 55 फीचर की बात करते हैं, यहाँ पर नोटिफिकेशन पैनल में आना है, यहाँ से आप फ्लैशलाइट को ऑन ऑफ कर सकते हैं, बैटरी सेवर को ऑन ऑफ कर सकते हैं, प्लेन मोड को यहाँ से ऑन कर सकते हैं। ये प्लेन मोड को ऑन करेंगे तो किसी भी नंबर से आपको कॉल ही नहीं आएगा जब तक आप इसको ऑन नहीं करते। उसके अलावा यहाँ पर आप इस तरह से स्लाइड करेंगे थोड़े और फीचर मिलते हैं, रोटेट भी आप यहाँ पर कर सकते हैं, हॉटस्पॉट भी कर सकते हैं, नियर बाय शेयर भी यहाँ से यूज कर सकते हैं, पेंसिल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नीचे और थोड़े फीचर्स आपके यहाँ पर मिलते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम जो यूजफुल फीचर है वही लेते हैं, फोकस मोड को हम यहाँ पर लेते हैं ऊपर और यहाँ पर हम वाईफाई कॉलिंग को लेते हैं ऊपर और डेटा सेवर को लेते हैं ऊपर और चलिए और क्या स्क्रीन रिकॉर्डिंग को लेते हैं ऊपर और लेते हैं ऊपर हम, तो चलिए इतने यूजफुल फीचर हैं मैं उतने ले लिया। आप वाईफाई कॉलिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पर इस पर क्लिक करके वाईफाई कॉलिंग कर सकते हैं। 56 फीचर की बात करने के लिए इसी नोटिफिकेशन पैनल में आना है, इस तरह से स्लाइड करना है और भी मैंने फीचर्स लिया था। आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना है तो इस पर क्लिक करके यहाँ से आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं रिकॉर्ड ऑडियो इसको ऑन कर सकते हैं, टच ऑन स्क्रीन मतलब शो टच ऑन स्क्रीन इसको ऑन करेंगे, स्टार्ट पर क्लिक करेंगे तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग होना शुरू हो जाता है, आप देख सकते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग होना शुरू हो गया। वापस से इसको बंद करने के लिए यहाँ पर टैप कर देना है, नोटिफिकेशन पैनल में आकर बंद हो जाता है, गैलरी में भी सेव हो चुका है वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग। 57 फीचर की बात करने के लिए इसी नोटिफिकेशन पैनल में आना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों और आप डेटा सेवर इसको ऑन करेंगे तो धीरे धीरे आपका डेटा कंज्यूम होता है, स्पीड डेटा कंज्यूम नहीं होता। 58 फीचर की बात करने के लिए इसी नोटिफिकेशन पैनल में आएंगे, फोकस मोड पर आप क्लिक करके यहाँ से इसको ऑन करेंगे तो यहाँ पर आपको शो ऑल एप्स मिलते हैं, यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे तो हम यहाँ पर कर लेंगे इसको क्रोम को करेंगे नहीं तो फॉर एग्जांपल फेसबुक को करेंगे और यहाँ पर हम कर लेंगे जीमेल को, यहाँ पर जो जो एप्लीकेशन को हम यहाँ पर सेलेक्ट किया है इन एप्लीकेशन से हमको नोटिफिकेशन नहीं आएगा, यहाँ पर नोटिफिकेशन नहीं आएगा। इस तरह से फोकस मोड को ऑन करके आप रख सकते हैं, अब यहाँ पर हमने ऑन किया तो इन एप्लीकेशन से अभी नोटिफिकेशन नहीं आएंगे। 59 फीचर की बात करने के लिए इसी नोटिफिकेशन पैनल में आना है, स्लाइड करना है और एक स्लाइड करना है यहाँ पर स्क्रीन कास्ट मतलब स्मार्ट टीवी को आप करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप इस पर क्लिक करके सर्च कर सकते हैं, उसके बाद में स्मार्ट टीवी आ जाएगी, इस पर क्लिक करेंगे तो स्मार्ट टीवी कनेक्ट हो जाएगी, जो आप यहाँ पर प्ले करेंगे वो स्मार्ट टीवी में प्ले हो जाएगा। 60 फीचर की बात करने के लिए यहाँ पर कैमरा ऐप ओपन करते हैं, एग्री पर क्लिक करेंगे पहली बार आएंगे तो व्हाइल यूजिंग ऐप द ऐप पर क्लिक करेंगे पहली बार आए तो, उसके बाद यहाँ पर आपको स्टार्ट कैप्चर पर क्लिक करना है और वीडियो रिकॉर्डिंग आप यहाँ पर कर सकते हैं कम से कम 4x जूम कर सकते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग करते वक्त, और आपको फ्लैशलाइट ऑन करना है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो फ्लैशलाइट ऑन हो जाते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग करते वक्त, कैप्चर पर आप क्लिक करेंगे तो है दोस्तों नॉर्मल मोड फोटोज क्लिक करते वक्त में, और यहाँ पर आप कम से कम 4x जूम कर सकते हैं फोटो क्लिक करते वक्त में और HDR को भी ऑन कर सकते हैं, और यहाँ पर हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे ये येलो होना चाहिए, येलो हो गया तो यहाँ पर फोटो क्लिक करते वक्त फ्लैशलाइट ऑन हो जाता है, इस पर आप क्लिक करके अपने फेस को स्मूथ कर सकते हैं और ब्यूटी वगैरह सब कुछ यहाँ पर आप कर सकते हैं दोस्तों इसी स्मार्टफोन में। आगे बढ़कर 61 फीचर की बात करने के लिए इसी सेटिंग में जाएंगे मतलब कैमरा में, और पोर्ट्रेट मोड यहाँ पर आपको दिखता होगा, यह है दोस्तों पोर्ट्रेट मोड मतलब बैकग्राउंड को ब्लर करके आप यहाँ पर फोटोज ले सकते हैं इसी Realme C20Y स्मार्टफोन में, और आप जितना ब्लर ज्यादा होना चाहिए इतना कम कर लेना एपिचर को और जितना ब्लर कम होना चाहिए उतना ज्यादा कर लेना एपिचर को, इस तरह से आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये थे दोस्तों Realme C25Y स्मार्टफोन के
टॉप 60 प्लस टिप्स एंड ट्रिक्स सर्टेन फीचर्स आपको बता दिया। आपको कौन सा फीचर अच्छा लगा नीचे कमेंट्स में बता देना, और कैमरा फीचर्स वाला कंप्लीट वीडियो देखना है तो उस वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप क्लिक करके देख सकते हैं। और कैमरा फीचर्स का डिटेल्स में वीडियो देखना है तो उस वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप क्लिक करके देख सकते हैं। और आपको इसी स्मार्टफोन के 0 to 100% चार्जिंग टेस्ट वाला वीडियो देखना है तो उस वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप क्लिक करके देख सकते हैं। नहीं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो दोनों वीडियोस आपको दिख रहे होंगे, यहाँ पर क्लिक करके भी देख सकते हैं।